सोलन में एक युवक ने नाबालिग युवती के साथ मंदिर में गुप्त रूप से शादी रचाई और उसके बाद उसका दुष्कर्म करता रहा। जब युवती ने विवाह को सार्वजनिक करने की बात कही तो युवक टालमटोल करने लगा। युवती ने इसकी शिकायत पुलिस में की है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। सोलन में एक युवक ने नाबालिग युवती से मंदिर में शादी रचकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता ने इस घटना की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन संस्था की मदद से सोलन पुलिस थाने में की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने युवक और युवती दोनों का मेडिकल करवा लिया है और मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले की पुष्टि करते हुए जिला सोलन पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने कहा कि युवती की शिकायत के अनुसार युवक उसे मेले के दौरान मिला। वहां से उनकी मुलाकातों का दौर आरंभ हुआ, फिर युवक ने युवती के साथ मंदिर में झूठी शादी रची। इसके बाद वे उससे विभिन्न स्थानों पर बुलाकर उसके साथ कुकर्म करता रहा। उन्होंने कहा कि युवक और युवती दोनों ही नाबालिग है। उनकी शादी मंदिर में किस पंडित ने करवाई है इस बारे में भी छानबीन की जा रही है। चाइल्ड लाइन सोलन की तरफ से एक कंप्लेंट कल इवनिंग में प्राप्त हुई सदर थाना में, जिसमें कोई 17-18 वर्ष की एक लड़की है जिसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और उसको यहाँ पे लाया गया। तुरंत कॉग्निजेंस लेते हुए सदर SHO ने इसमें मामला 376 IPC, 506 IPC और 4 पॉक्सो एक्ट, बिकॉज वो अपनी उम्र माइनर बता रही है, 18 साल से कम है, जिसको वेरीफाई किया जा रहा है। जिस लड़के के ऊपर आरोप है उसकी भी उम्र बताई जा रही है कि 18 साल से कम है, उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है। यहीं के निवासी है और लास्ट जून में शूलिनी मेला में मिले, उसके बाद उनकी मुलाकातें होती रहीं। एक बार पहले भी किसी राजगढ़ के होटल में सितंबर में सेक्सुअल एक्टिविटी का लड़की की जो बयान में आया है, अभी 28 फरवरी को जब इसने अपने फ्रेंड के घर में इसको बुलाया, वहाँ पे इसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी हुई। जो लड़की की स्टेटमेंट में ये आई है, शायद लड़के ने चकमा देने के लिए या इसको ब्लफ करने के लिए इसके साथ झूठी मूठी शादी मंदिर में फेरे लिए हैं, उसको भी वेरीफाई करेंगे। तमाम पहलुओं को देखते हुए बच्चों का मेडिकल करवा लिया गया है और आगामी कार्रवाई एज पर लॉ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।